भारतीय इतिहास का एक महान हिंदू योद्धा जिसने अपनी शक्ति और अपने पराक्रम से दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रखे हुआ था। जिस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी और अन्य मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब इस हिंदुआ सूरज ने दक्षिण भारत को मुसलमानों से सुरक्षित रखे हुआ था। आइए जानते हैं यदुवंशी होयसल साम्राज्य के महान प्रतापी हिंदू शासक राजा बल्लाल वीर यादव के बारे में। होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान यदुवंशी साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1111 ईस्वी में विष्णुवर्धन यादव ने किया था। इन्होंने अपने शिलालेखों में अपने आप को यादव कुल तिलकाय कहा है। सन 1292 में राजा वीर बल्लाल यादव होयसल साम्राज्य के शासक बनते हैं। इन्होंने उत्तर के देवगिरी के यादवों और दक्षिण के राजवंशों से कई युद्ध किए और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और अन्य मुस्लिम शासक जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध भी युद्ध किए और उनको दक्षिण भारत आने से रोका। राजा बल्लाल माता दुर्गा और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में अनेकों माता दुर्गा, महादेव और भगवान विष्णु के मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन राजा यादव का मुख्य लक्ष्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पे कंपली को विजय करना था। कंपली के दुष्ट शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत आने के लिए रास्ता दे दिया था। तब राजा बल्लाल यादव ने मलिक काफूर को इतनी बुरी तरह पराजित किया कि उसे होयसल साम्राज्य को विजय करने का सपना छोड़ना पड़ गया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना और राजा बल्लाल यादव के बीच फिर युद्ध हुआ जिसमें राजा बल्लाल यादव की सेना ने तुगलक की सेना के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजा बल्लाल की सेना ने तुगलक की सेना को इतना बुरी तरह पराजित किया कि उनको वहां से भागना पड़ गया। राजा बल्लाल यादव ने दिल्ली सल्तनत से लड़ने के लिए तुंगभद्रा नदी किनारे अपनी एक नई राजधानी बनाई और उसी समय दिल्ली सल्तनत में बैठे क्रूर मुस्लिम शासक ने कंपली का राजा मलिक मोहम्मद को बना दिया। लेकिन राजा बल्लाल यादव ने मलिक मोहम्मद को पराजित कर उसे स्वतंत्र करा लिया और वहां की देखभाल का कार्य हरिहर और बुक्का राय के पिता संगम यादव को दे दिया। 1343 में राजा बल्लाल देव यादव और मदुरई के दिल सल्तनत के मुस्लिम शासक गियासुद्दीन के मध्य एक बार फिर कन्नूर में भयानक युद्ध हुआ जिसमें राजा बल्लाल यादव ने गियासुद्दीन को बुरी तरह पराजित किया और उसे जीवन दान देकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। बाद में गियासुद्दीन ने बल्लाल यादव से संधि के लिए उन्हें बुलाया और धोखे से बल्लाल को पकड़ लिया और उन्हें मार दिया। इस तरह मदुरई सल्तनत के धोखे के कारण 1343 में बल्लाल यादव वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में उनकी मृत्यु का प्रतिशोध उन्हीं के सेनापति हरिहर राय और बुक्का राय ने लिया जो बाद में एक विशाल विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया था।